બારડોલી તાલુકાના માંગરોળિયા ગામ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. બારડોલીના માંગરોળિયા ગામે ભાજપ રાષ્ટ્રીય સંગઠનના મહામંત્રી તરુણ રૂગજી અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા તથા સ્થાનિક ધારાસભ્ય મોહનભાઈ ડોડિયાના હસ્તે લાભાર્થીઓને અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ભાજપના કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत जन नेता मोहन भाई जो विधायक हैं उनकी ओर से प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जो 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर फ्री अनाज मिल रहा है, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 50,000 बैग्स बनाकर गरीबों तक राशन पहुंचाने का एक बगीरती कार्य शुरू किया है. और बहुत गर्व की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही गरीबों की चिंता करते हैं. गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, गरीब के जीवन को आगे बढ़ाया जाए और कोरोना की इस महामारी में गरीब कहीं भूखा ना रहे. जहाँ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही थी, भुखमरी के हालात थे, लेकिन भारत में कोई भूखा नहीं सोया. कोरोना का फर्स्ट वेव थी तो 500-500 रुपया हर बैंक अकाउंट में डालकर बहनों को घर के खर्चे के लिए, रसोई गैस को फ्री बांटकर, और 80 करोड़ भारतीय, 80 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, शायद कई देशों की जनसंख्या को 2 से 3 से गुना करें, 10 से गुना करें तो इससे ज़्यादा लोगों को 8 महीने पिछले साल भी राशन दिया है और इस साल भी 8 महीने का राशन उनको फ्री दिया जा रहा है. इसके अलावा जो सरकार की अनाज की स्कीम है उसका राशन अलग से दिया जा रहा है. ये एक जन कल्याण का और गरीब कल्याण का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने लगातार पिछले 7 साल इस देश के अंदर अपनी योजनाओं में गरीब को केंद्र में रखकर ही योजनाएँ बनाई. पहली बार किसी ने अंत्योदय की चिंता की, पहली बार किसी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कातम मानव दर्शन को एकदम